दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 21वें ओवर में जैसे ही रविंद्र जाडेजा ने गेंद डाली, सामने खड़े सलमान अली के चेहरे पर जाकर वो बॉल लग जाती है और उनके नाक के पास में बहुत ही बड़ी चोट लग जाती है, जिसे देखकर पाकिस्तानी फैंस और टीममेट्स तो घबरा जाते हैं। इसी के साथ में इंडियन प्लेयर्स भी सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लगी कैसे, क्योंकि दोस्तों चोट काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले केएल राहुल पहुँचते हैं और यहाँ पे उनका स्वीट जेस्चर भी हमें देखने को मिलता है। वो सलमान अली को कहते हैं कि अपना चेहरा ऊपर करके रखो ताकि जो है चोट काफ़ी ज़्यादा ना हो जाए, और इसी के बाद में तुरंत यहाँ पे जो पैरामेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो दौड़ कर आते हैं और रुई लगा कर सलमान अली का जो घाव है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैच चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी प्लेयर को चोट लगती है तो हर किसी को चिंता हो जाती है। इसके बावजूद भी दोस्तों सलमान अली ने यहाँ पे डटकर यहाँ पे सामना किया और चोट लगने के बावजूद भी वो यहाँ पर खेलते रहे। आपको बता दूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में भारत ने पाकिस्तान को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया है और भारत की यहाँ पे शानदार जीत हुई है।